मात महाकाली की जय, माता हिडम्बा की जय, कुमार घटोत्कच 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 की जय, माता हिडम्बा की जय, माता महाकाली की जय। प्रणाम कुमार, लीजिए। माता महाकाली की जय, कुमार घटोत्कच की जय, माता महाकाली की जय, कुमार घटोत्कच की जय, कुमार घटोत्कच की जय। पहले कुमार घटोत्कच के पिता मेरे पति ने जीव बलि की इस प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिसका मैंने पालन किया। आप सब लोगों ने सहयोग दिया मुझे, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माता हिडम्बा की जय। आज मेरा पुत्र घटोत्कच महाकाली की कृपा से बड़ा हो गया है। अब ये हिडम्बराज का मुखिया बनने योग्य हो गया है। वीर घटोत्कच मानव दानव संस्कृति की धरोहर है। इसमें दानव की शक्ति और मानव का विवेक सागर संगम जैसा है। मैं महापुजारी से विनती करती हूँ कि वो आज घटोत्कच के मुखिया बनने का दिन तय कर दें। राजमाता, मुखिया बनने से पहले हमारी परंपराओं के अनुसार वीर घटोत्कच को विवाह के लिए कन्याओं का अपहरण करना पड़ेगा। मैं आज से इस अपहरण की प्रथा को भी समाप्त करती हूँ। अंधकार युग की इस प्रथा को मैं उचित नहीं समझती। मेरे अपने विवाह में मेरा अपहरण नहीं हुआ। घटोत्कच मेरे पति भीम और माता कुंती पांडवों की अमानत है, और मैंने घटोत्कच को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भेजने का निर्णय लिया है। माते, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इंद्रप्रस्थ अवश्य जाऊंगा, किंतु माते, यदि आप भी मेरे साथ चलती तो उन लोगों को आपसे मिलकर अच्छा लगता। नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है। क्यों माते? तुम्हारे पिता और मेरे बीच वचन की एक लंबी दूरी है। उनसे विवाह के समय मैंने तुम्हारी दादी माता कुंती को वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर कभी नहीं जाऊंगी। जब आपका विवाह हुआ था तब उनके पास निवास तक नहीं था, वे संकट में थे। आज वे इंद्रप्रस्थ के स्वामी हैं। पुत्र, वचन कोई ऋतु नहीं है जो आई और गई। वचन एक जीवन भर की यात्रा है जिसे केवल मृत्यु ही समाप्त कर सकती है। फिर मुझे उस कुल की कुल वधु बनने का सम्मान मिला है जिस कुल में दादा भीष्म ने वचन के लिए हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन को त्याग दिया, जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। माते, मुझे गर्व है कि आप मेरी माता हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं इस संसार में आऊं, आप ही मेरी माता बने। घट, वो माता धन्य हो जाती है जिसे तुम जैसा सम्मान करने वाला पुत्र मिल जाए। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों का घटोत्कच के जीवन में कोई स्थान नहीं है। चलो विश्राम कर लो, भोर होते ही तुम्हें इंद्रप्रस्थ जाना है। जो आज्ञा माते। कुमार घटोत्कच की जय, माता हिडम्बा की जय, माता महाकाली की जय। इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की जय हो। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ परामर्श दूं। हे केशव, कोई भी शिष्टाचार किसी भी उपकार से बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपकी बुआ कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, इसीलिए सिंहासन पर विराजमान हूं। किंतु जिसे आपके हृदय में आसन प्राप्त ना हो,
वो किसी भी स्थान का अधिकारी नहीं हो सकता। मुझसे अनुमति ना मांगे केशव, मुझे आदेश दीजिए द्वारकानाथ, मुझे आदेश दीजिए। बड़े भैया, अब समय आ गया है कि आप ये जान लें कि समूचे आर्यावर्त में कौन आपका मित्र है और कौन मित्र नहीं है। वैसे नियम के अनुसार आप राजसूय यज्ञ के अधिकारी हैं, राजसूय यज्ञ की तैयारी कीजिए नरेश। ये कौन? क्यों, आप सब लोग मुझसे सहमत हैं? क्यों गदाधारी भीम? हे मधुसूदन, यदि आपकी कृपा दृष्टि ना होती तो इतना भयानक जंगल इतना सुंदर ना बनता। महाराज की जय हो। नगर में एक भयानक संकट आया है। संकट? कैसा संकट? इंद्रप्रस्थ नरेश, मैं हूं वो संकट। अपना परिचय दो वत्स। मैं महाबली भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। पुत्र घटोत्कच? जी पिताश्री। आप अपने ताश्री महाराज युधिष्ठिर, काका श्री कृष्ण, काका अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सबसे आशीर्वाद लो। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र घटोत्कच, तुम्हारी माता हिडिंबा कैसी है? माता कुशल, उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका आशीर्वाद लेने मेरुगिरी पर्वत से यहां आया। उन्होंने कहा है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन कर। जो भी पुत्र ऐसा करता है वो पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करके संसार में यशस्वी हो जाता है। तुम्हारी माता धन्य है पुत्र, जो उन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। धन्यवाद। निश्चय ही जैसी माता होती है वैसा ही उसका पुत्र होता है। पिताश्री, मेरी इच्छा है कि आप मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि माता की आज्ञा है कि मैं सदा पांडव कुल में भक्ति रखने वाला बनूं। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अटल भक्ति रखने वाली है, तुम भी ऐसे ही बनो पुत्र। कैसे हो पुत्र? कैसे हो पुत्र? मैं ठीक हूं काकाश्री। और हिडम्बन का कार्य कैसे चल रहा है? वहां सब शांति तो है ना? वहां वहां देवता, ब्राह्मण और साधु संतों का सम्मान तो हो रहा है ना? अवश्य काकाश्री, अवश्य। माता श्री तो हरदम दिव्य तपस्या में लीन रहती है। सारे राज्य का भार उन्होंने संभाल रखा है। तुम्हारी माता अवश्य ही बड़ा कठिन कार्य कर रही है पुत्र घटोत्कच, जो पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में लीन है। पुत्र, तुम महाबली भीम के पुत्र बड़े हो चुके हो, मेरुगिरी का कार्य अब तुम्हें संभालना चाहिए। काकाश्री,
माता की भी यही इच्छा है, किंतु प्रथा के अनुसार यह विवाह के पश्चात ही संभव है, और उसके लिए मुझे कन्याओं का अपहरण करना पड़ता, किंतु माता नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। उनका कहना है कि मैं पांडवों की धरोहर हूं, इसलिए विवाह के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। राजन, यदि आप उचित समझें, तो इस विषय में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अवश्य केशव। पुत्र घटोत्कच के लिए एक योग्य कन्या मेरी दृष्टि में है। वो कन्या कौन है केशव? मूर दैत्य की सुंदर कन्या मोरवी। बात तब की है राजन, जब मैं देव माता अदिति के कुंडल लाने कामरूप गया था, जिसे नरकासुर छीन कर ले गया था। उस युद्ध में मेरे हाथों असुर महामंत्री मूर दैत्य मारा गया और उसकी पुत्री मोरवी मुझसे युद्ध करने आई। दैत्यराज मुर, आज तुम्हारा वध करके मैं मुरारी हो गया। अबला स्त्रियों का अपहरण करने में यदि तुमने असुर नरेश नरकासुर का साथ न दिया होता, तो मैं तुम्हारा वध कदापि न करता। अब मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। ठहरो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बदलकर पहले तुम्हारा अग्नि संस्कार करूंगी, उसके पश्चात अपने पिता को विदा करूंगी। वासुदेव, भद्रे, तुम युद्ध से लौट जाओ। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी भी प्रकार से संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रही हैं माते? हाँ पुत्री, इन्हें प्रणाम करके तुम युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। और अपने पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथों से मरने पर सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम चले गए हैं। तुम इसी नगर में निवास करो, यहां रहते हुए ही तुम्हें वीरपति प्राप्त होगा। माते, जैसी आपकी आज्ञा।
मां कामाख्या के ऐसा कहने पर मोरवी ने क्रोध त्याग दिया और प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था राजन। वासुदेव, पुत्र घटोत्कच के लिए क्या आदेश है? मेरी इच्छा है कि पुत्र घटोत्कच कामरूप जाए और मोरवी को ब्याह कर ले आए। जो आज्ञा नरश्रेष्ठ। वीर घटोत्कच, तुम ये मत समझना कि मोरवी तुम्हारे लिए वरमाला लिए खड़ी होगी। उसने प्रण किया है पुत्र कि वो केवल उसी को पति रूप में स्वीकार करेगी जो बल और बुद्धि दोनों में उसे परास्त कर देगा। वासुदेव, बल तो है मेरे पास, परंतु बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देता हूं पुत्र। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जाओ पुत्र, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सारो कार्य सिद्धार्थे। प्रणाम। शुभम भवतु। घटोत्कच मोरवी के साथ ही लौटेगा। कामाख्या, क्या मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है? देवी मोरवी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी के जीवन में अंतिम घड़ी कभी ना कभी तो जरूर आती है। चलिए आइए। दिखाई नहीं दे रहा। कामरूप में आपका स्वागत है। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? अब सचमुच बहुत सुंदर है। मेरे रूप की प्रशंसा कर रहा है, ये भी मरने आया है। मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं हिडम दानव की बहन का पुत्र हूँ, घटोत्कच। कामरूप में अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा नहीं है क्या? अवश्य है, किंतु योग्यता की परीक्षा के बाद। उचित है। तो पहले बल की परीक्षा लोगी या बुद्धि की? बुद्धि की। यदि बुद्धि ना हो तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। मैं तैयार हूं, प्रश्न करो। मुझे कोई
विचित्र कथा सुनाकर हैरान कर दो और मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। ठीक है। एक नगर में एक व्यक्ति था, उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी स्त्री उस कन्या को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसने अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो विवाह के योग्य हुई, उसके पिता का अपनी बेटी के प्रति मन मैला हो गया। उसने अपनी बेटी से एक झूठ कहा। उसने कहा कि उसके मां बाप मर चुके हैं और उसने सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। बेटी ने पिता के झूठ पर विश्वास कर लिया और पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अपनी पुत्री से विवाह? हाँ। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने एक कन्या को जन्म दिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि पैदा हुई कन्या उस पुरुष की दोहित्री हुई या पुत्री? मोर पुत्री, तुम्हारे मौन से यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तुम एक वीर असुर की पुत्री हो, फिर भी युद्ध के सारे नियम भूल गई और एक निहत्थे पर वार कर दिया। छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे तो क्या किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तो केवल पांडव पुत्र के उस कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिसका वरदान माता कामाख्या ने मुझे दिया था। छोड़ दो मुझे। मौर्वी, मैं पांडव महाबली भीम का पुत्र हूँ और श्री कृष्ण के कहने पर ही तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप जैसे महाबली की पत्नी होने योग्य नहीं हूँ। उठो। तुम हर प्रकार से पांडवों की पुत्रवधू होने के योग्य हो। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये मोरवी है आपकी पुत्रवधू।
मैंने दाऊश्री, पिताश्री और वासुदेव कृष्ण की इच्छा अनुसार इनसे विवाह किया है। आशीर्वाद दीजिए माता। सौभाग्यवती भव। कुल का गौरव बढ़ाओ। आ पुत्री। समय बीतता गया और वो समय आ गया जिसकी सृष्टि को प्रतीक्षा थी, जब संसार में कोई दिव्य आत्मा आने वाली होती है जिसके लाखों भक्त हों, कोटि कोटि पूजने वाले हों, तब धरती भी नया श्रृंगार करती है। हिडिंब वन में भी हर दिन कुछ नया घटने लगा। जय अंबे मैया, जय जय अंबे मैया, जय जय काली माँ। प्रणाम राजमाता। आजकल हिडिंब क्षेत्र में अनेकों सुंदर घटनाएं घट रही हैं। शुभ शगुन दिखाई दे रहे हैं, नदियां भर गई हैं, झरने स्वच्छ जल दे रहे हैं। राजमाता मौर्य माता बनने वाली है, घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है, ऐसा प्रकाश हो गया है जो पहले कभी नहीं था। राजमाता, मेरा मन कहता है आपके घर में कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। धन्यवाद। प्रणाम। कल्याण। अचानक ये बादलों की गड़गड़ाहट कैसी? मैं भी यही सोच रहा था माते। क्या रहा है घट, ये भी तुम्हारी तरह पैदा होते ही बड़ा हो गया। आपने मुझे जन्म दिया है माते, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। मैं धन्य हो गई पुत्र, हमारा कुल धन्य हो गया। आप जैसे माता पिता और दादी को पाकर मैं धन्य हो गया। दादीश्री से मिलो। प्रणाम दादीश्री। कीर्तिमान भव। माते, हम इसे क्या कहकर पुकारें? ये तो पैदा होते ही बड़ा हो गया, हम इसका नामकरण भी नहीं कर पाए। इसके केश बरबराकार हैं, तो मेरे विचार में इसका नाम भी बर्बरीक होना चाहिए। बर्बरीक? बड़ा सुंदर नाम है माते। बर्बरी। पूर्वी, अब तो जीता जागता पुत्र प्रकाश के रूप में तुम्हारे पास है,
फिर इस प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो? इस प्रकाश में एक माँ वो सारे पल ढूंढने की कोशिश कर रही है जो संतान के जन्म के बाद उसे उपहार में मिलते हैं। हवा में खेलते नन्हे हाथ पांव, झाड़ों की धूप से आती जाती किलकारी, बेटे को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाती माँ, ऐसे न जाने कितने और पल। मौरवी, ये अवसर तो मुझे भी नहीं मिला। बर्बरिक की तरह मेरा घट भी जन्म लेते ही बड़ा हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो हर माँ यही कामना करती है, बच्चा बड़ा हो, लंबी आयु वाला हो। मेरे विचार से अब देर नहीं करनी चाहिए। कल अमावस्या है, तुम इसे लेकर कल ही चले जाना। ठीक है माताश्री, मैं कल सुबह ही इसे लेकर द्वारकाधीश के पास चला जाता हूँ। माते, मेरा बाल्यकाल आपको कोई भी सुख नहीं दे पाया और दादीश्री ने जाने की घोषणा कर दी। जाओ पुत्र, मैं अपनी ममता को तुम्हारे भलाई के मार्ग की बाधा नहीं बनने दूंगी। पुत्र घटोत्कच, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पुत्र बर्बरिक, चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव। इसके घुंघराले बालों के कारण इसे बर्बरिक कहते हैं वासुदेव। बर्बरिक बड़ा सुंदर नाम है। ये तुम्हारा पुत्र विशेष है, सबसे भिन्न है। मैं तो इसे सूर्योदय पुकारूंगा। सूर्योदय? आपने तो इसका नामकरण कर दिया वासुदेव। तो अपने सूर्योदय पर एक उपकार और कर दीजिए। कहो पुत्र। इसे अपना शिष्य बना लीजिए वासुदेव, इसका जीवन सफल हो जाएगा। घटोत्कच, तुम्हारा यह पुत्र स्वयं के साथ साथ समूचे वंश का नाम सफल करने आया है। आपने पिताश्री की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। सूर्योदय, तुम तो अपने जीवन में कई महान कार्य करने आए हो। तुम्हारे पास तीन दिव्यास्त्र हैं, कर्म, संकल्प और आस्था। ऐसा कौन सा गुरु होगा जो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार ना करे? मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया वत्स। नियम के अनुसार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। मैं तुमसे क्या प्रश्न करूं पुत्र, तुम तो एक समाधान हो। आप प्रश्न करके संतुष्ट होके यदि मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देने के लायक हो जाऊंगा। चलो ऐसा ही सही। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे उत्तर में एक प्रश्न समाहित है। तुम्हारी दृष्टि में माता का क्या स्थान है? सबसे ऊंचा। यदि एक तरफ माता के प्राणों पर संकट हो और दूसरी ओर एक नवजात शिशु के, तो पहले किसके प्राणों की रक्षा करोगे? नवजात शिशु की। क्यों, माता की क्यों नहीं? नवजात शिशु ने तो अभी जीवन आरंभ भी नहीं किया, किंतु तुम्हारी माता ने तो तुम्हें जन्म दिया है। माता अतीत है, किंतु नवजात शिशु एक संपूर्ण भविष्य। जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, यदि मैंने शिशु को ना बचाकर उसके प्राण बचाए तो वो मेरा मुख भी नहीं देखेगी।
माता अपना जीवन देख चुकी है और शिशु के सामने पूरा जीवन शेष है। देखा पुत्र घटोत्कच, तुम्हारे पुत्र को तो परीक्षा में सफल होना ही था। वत्स, मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मैं तुम्हें सर्वप्रथम शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और तत्पश्चात सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त क्षेत्र भेजूंगा। हे वासुदेव, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे क्या सोच रही हो माते? पुत्र घट अभी तक नहीं आया। प्रणाम माते। माते, मेरे पास आपके लिए एक शुभ और एक अशुभ समाचार है। क्या केशव ने बर्बरी को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया? नहीं नहीं माता, शुभ समाचार तो यही है कि केशव ने बर्बरीक को स्वीकार कर लिया है। किंतु अशुभ समाचार यह है कि दुर्योधन ने छल से मामा शकुनी की सहायता से इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत लिया है और पिताश्री के साथ सारे पांडव, माता द्रौपदी सब के सब वन वन भटक रहे हैं। वचन कभी कभी कितना विवश कर देता है पुत्र। अरे संभल के पांचाली, कदाचित कष्ट से ये तुम्हारा प्रथम परिचय है। तुम्हें पद यात्रा का अभ्यास नहीं है। नहीं आर्य पुत्र, दासियों की भांति अपमानित होने का अभ्यास नहीं था। मैं शकुनी के पांसों से नहीं, भाग्य के पांसों से पराजित हुआ हूं। नहीं आर्य पुत्र, जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ और दुर्योधन तथा ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें इंद्रप्रस्थ का वो जंगल वाला भाग दिया, तब मैंने उसे भाग्य के पांसों की तरह लिया था। किंतु राताश्री, पांचाली थक गई है, यदि आप उचित समझें तो हम कहीं विश्राम कर लें। विश्राम तो मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन मेरे ये खुले केश बंधेंगे, जिस दिन मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा, जिस दिन नारीत्व की मर्यादा पुनर्स्थापित होगी। पांचाली, जिस सभा में तुम्हें अपमान का विष पीते मैंने देखा है, उस सभा में मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी, महादेव की सौगंध, प्रतिशोध लिया जाएगा। जिस कृष्ण ने तुम्हारे सम्मान की रक्षा की थी, वही कृष्ण अवसर भी देगा। का बन के सहारा कर्ण जगत उजियारा, श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा, श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। श्याम जी आ गए हैं।
आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वत्स। प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। कहो पुत्र। प्रभु, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याणकारी कहते हैं, कोई ऐश्वर्य दान को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को, तो कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे स्कूल के लिए कल्याणकारी हो। पुत्र सूर्योदय, तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए सर्वप्रथम अपने क्षत्रिय कर्तव्य को समझो। बल प्राप्ति के ऐसे साधन करो जिसकी कहीं और तुलना न हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। इससे तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी पुत्र, और तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी व देवता की कैसे आराधना करूं? पुत्र, बल की प्राप्ति तो केवल देवी की अत्यंत कृपा से होती है, इसलिए देवी की आराधना करो। महिसागर संगम तीर्थ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहां जाओ पुत्र, और नारद जी द्वारा स्थापित नव दुर्गाओं की आराधना करो, वही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव। निर्बल पे विपदा आई, कर दी है उसी की सहाई, भक्तों की धीर बंधाई, पल की न देरी लगाई, नेक कर्म से सज के धर्म से पल में संकट टारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं, दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। जैसी हो जिसकी ये माते को क्या हो गया? तुम पूछो। माते, अपने पौत्र बर्बरीक के विषय में सोच रही हैं? मौरवी, बर्बरीक की चिंता नहीं है मुझे। जो श्री कृष्ण समर्पित हो गया वो उबर गया, उतर गया। जिसे कृष्ण स्वीकार कर लें, उसे किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जिसे श्याम रंग दें, वो तो स्वयं श्याम रंग हो जाता है। तो फिर माते, माते आपकी चिंता का कारण क्या है, बताइए। चलिए विश्राम कीजिए, आपने तो भोजन तक नहीं किया आज। मैं परिवार सहित तुम्हारे पिता के लिए चिंतित हूँ। चिंता से अधिक मैं और क्या कर सकती हूँ? यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाकर उनकी खोज खबर ले आऊं। नहीं, यदि दुर्योधन को पता चला तो वो इस मिलन को भी वनवास के नियम के विरुद्ध बता देगा। जैसी हो जिसकी भावना, करे हैं मनोकामना, काम है इसका तो बस दुखियों के दुख टालना। तीन बाण ले दिल में प्यार ले, दुखियों को पार उतारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं, तीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं।
मैं धन्य हुआ माते, मैं धन्य हुआ। पुत्र, सदा स्मरण रहे, कभी भी इसका दुरुपयोग ना हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा माते। अब मेरे लिए क्या आदेश है? कुछ समय तक तुम यही निवास करो। यहाँ रहकर तुम्हें किसी की प्रतीक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा माते। आयुष्मान भव। प्रणाम ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। आप कौन है ब्राह्मण देव? मेरा नाम विजय पंडित है। और आपका परिचय? मैं पांडव कुल भीम का पौत्र बर्बरिक हूँ। मेरे गुरु द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सूर्योदय नाम दिया है। इस घने जंगल में किस कार्य हेतु आपका आना हुआ? अपने नगर के लोगों के भविष्य के लिए। लोगों का भविष्य? हाँ, हमारे नगर पर इस समय दैत्यों का आतंक फैला हुआ है। वहां नरबली प्रतिदिन होती है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात? मैं इस सिद्ध क्षेत्र में माँ भगवती की साधना करने के लिए आया हूँ। माँ से सिद्धि प्राप्त करके उस सिद्धि के बल पर मैं अपने क्षेत्र से, अपने नगर से उन दैत्यों के आतंक को समाप्त कर दूंगा। मैं भी इस सिद्ध क्षेत्र में साधना के लिए आया हूँ। यदि मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद सुहृदय, मैं निश्चिंत हुआ। मैं आज से अपनी तपस्या आरंभ कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः। 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 आज इस ब्राह्मण की साधना का अंतिम दिन है। धीरे धीरे हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। यदि इसे वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गईं, तो हमारे सारे दैत्य मारे जाएंगे। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। साधु महाराज, ये सिद्धि प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं। अग्नि चलाकर? आप जानते हैं इस अग्नि के तेज से अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या हो रही है। साधु महाराज, अग्नि में आहुति देने से तो देवताओं की तृप्ति होती है। अहिंसा ही परमो धर्म है। जीव हत्या घोर पाप है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? साधु होकर हवन की अग्नि बुझाना चाहते हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इन पाखंडी ब्राह्मणों को। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। जाओ। ये साधु नहीं, अवश्य कोई दैत्य है जो नहीं चाहता कि यज्ञ संपूर्ण हो। शत्रु हमारा पीछा कर रहा है, बच के जाने ना पाए। घेर लो इसे, मार डालो इसे। Yeah.
दैत्यों ने वीर मैं और मेरे नगर निवासी तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपकी तपस्या पूर्ण हो गई ब्राह्मण देव? हाँ, मेरी साधना पूर्ण हो गई। देवी माँ ने साक्षात दर्शन देकर मुझे अनुपम सिद्धियां प्रदान की हैं। धन्य है देवी, आप धन्य हैं। अब मैं वापस लौटकर अपने नगर और नगर निवासियों की रक्षा कर सकूंगा। अवश्य ब्राह्मण देव, देवी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। जो सच्चे मन से देवी माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ उन पर सदा कृपा बरसाती है। तुम्हारे सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। लो ये यज्ञ भस्म स्वीकार करो, समय आने पर यह तुम्हारे काम आएगी। ब्राह्मण देव, मैंने कुछ पाने के प्रयोजन से आपकी सहायता नहीं की थी, इसे आप अपने पास रख लीजिए। आपको प्रसन्न पाकर मैं भी प्रसन्न हूँ। तुम्हारे उपकार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण देव, निष्काम भाव से किसी पर उपकार करना ही साधुता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करे, ऐसी साधुता में क्या रखा है? तुम धन्य हो बरबरीक, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनो। पुत्र बर्बरीक, प्रणाम माते। पुत्र, इस भस्म को स्वीकार कर लो। पुत्र, यदि यह भस्म किसी दुष्ट प्राणी के हाथ लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। वो इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर सकता है, तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। जैसी आपकी आज्ञा माते। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, जो सिद्धियां हमने तुम्हें प्रदान की है, केवल वो ही पर्याप्त नहीं है। अभी तुम्हें शक्ति प्राप्त करना शेष है। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? भगवान शिव की आराधना करो पुत्र, वही तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहृदय, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आराधना सफल हो। आज से तुम सिद्धसेन के नाम से भी जाने जाओगे। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। भीम जी, भ्राताश्री, पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। अब तुम मझले होने का कर्तव्य निभाओ और जाकर देखो आसपास कोई जल की व्यवस्था या विश्राम करने का उचित स्थान है या नहीं। और हां, शीघ्र लौटना भीम, क्योंकि 12 बरस की वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भांति सूंघते फिर रहे हैं। जो आज्ञा भ्राताश्री। ये क्या कर रहे हो? दिखने में तो भद्र,
और व्यवहार में चांडाल लगते हो। मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें, बड़ों से कैसे बात करते हैं। जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। जल गंदा नहीं करूंगा तो हाथ पैर कैसे धोऊंगा। शीघ्र ही इस ताल से निकलो। इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो। जल का उपयोग नहाने धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है। मंद बुद्धि, वो जल बहती धारा का होता है जहाँ गंदगी रुकती नहीं। ये ताल है, नदी नहीं। तुम यहाँ से निकलो अन्यथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांघ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे। अभी बताता हूँ। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, किंतु तुमने सारी सीमा तोड़ दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी। कैरोवत्स, ये तुम क्या कर रहे हो। प्रभु, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है, मैं इसे दंड दूंगा। ऐसा मत करो वत्स, ये महाबली भीम तुम्हारे दादा हैं। मेरे दादा श्री भीम? हाँ पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए दादाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हा? हाँ दादाश्री, मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र जल था और तुम्हारे लिए पूजा का स्थल, इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पर। मुझे इसके लिए अपने आप को दंड देना होगा। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। हर पौत्र बाल्यकाल में अपने दादा पे हाथ उठाता है। मन मेला न करो पौत्र, हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था। प्रिय भीम, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। और ये भ्राताश्री, ये बर्बरीक है, मौरवी और घटोत्कच का पुत्र। और बर्बरीक, ये तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर, प्रणाम। दादा अर्जुन, प्रणाम। नकुल, सहदेव, और तुम्हारी दादी द्रौपदी, प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। सुंदरता के साथ साथ ये अद्भुत शक्तिशाली भी है। और जानते हो द्रौपदी, इसने मुझे मलयुद्ध में परास्त किया। ये बालक आपको? हाँ द्रौपदी, ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेंट हो गई। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारी दादीश्री हिडिम्बा, माताश्री और पिताश्री कैसे हैं? दादाश्री, जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हूँ तब से उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन ये विदित है कि वो सदैव पिताश्री और आप सबकी चिंता में लगी रहती हैं। घोड़े के टापों की आवाज। माताश्री, लगता है दुर्योधन के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। हमारा वनवास तो समाप्त हो चुका है, अब हमारा अज्ञातवास शुरू हो रहा है। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है अर्जुन, और यदि उन्होंने हमें ढूंढ निकाला तो एक बार फिर हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास सहना होगा। वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे दादाश्री। ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है। The
दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। जैसी हो जिसकी भावना पूरी करे हैं मनोकामना। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो, हम तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हैं पुत्र। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रथम इच्छा थी कि आपके दर्शन हो, वो अब पूर्ण हुई। और दूसरी? मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ प्रभु, जिससे मैं दुर्बल और निसहाय लोगों की रक्षा कर सकूं। इन्हें स्वीकार करो पुत्र, ये बाण बहुत अचूक बाण है। पहला बाण छोड़ने से तुम युद्ध भूमि में जिनका भी वध करने की कामना करोगे, ये बाण उनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। दूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यु चिन्ह बने हैं, ये उनका वध कर देगा। तथा तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा। किंतु ध्यान रहे पुत्र, इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना। स्मरण रहे, तुम सदैव दुर्बल का साथ दोगे, हारे का सहारा बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। इन तीन बाणों की सहायता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप्त कर सकता था। पांडव द्रौपदी के साथ अपना एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने महाराज विराट की राजधानी पहुंच गए। द्रौपदी शैलेंद्री बन गई और उसे महारानी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया। युधिष्ठर विराट नरेश के विशेष सेवक हो गए, भीम रसोइया बन गए। अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया। अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। युद्ध होगा बड़े भैया, अवश्य होगा। युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास, मेरा शांति प्रस्ताव विफल हो गया। मामा शकुनी के द्यूत के पासे अब जुए के बिसात से निकलकर नरसंहार का नृत्य कर रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने नेत्रहीनता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्र मोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके हैं। मैंने आप पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। हे केशव, सत्ता और शक्ति के मद में चूर अनुज दुर्योधन चाहे कुछ भी कहे, किंतु पांडवों की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सौंपता हूं माधव। प्रश्न अब केवल न्याय संगत अधिकार का नहीं है महाराज, अब प्रश्न है धर्म का, और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूंगा और यही कहूंगा कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उठाओ अपना गांडीव। हे गदाधारी भीम, उठाइए अपनी गदा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उठाइए धर्म की ध्वजा। जब जब राजनीति करने वाले लोग असंवेदनशील होंगे, तब तब शस्त्र उठेगा।
ये युद्ध होगा सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का। इसलिए ये धर्म युद्ध है जिसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया है। अर्थात ये युद्ध तो होगा ना वासुदेव? निसंदेह पांचाली। हे मधुसूदन, अंतिम सांस लेती मेरी प्रतिशोध की ज्वाला को आपने पुनर्जीवित किया है। हे नरश्रेष्ठ, ये आपका वचन है, आश्वासन मात्र नहीं। नारी के सम्मान को तार तार होते देखा है आपने। हे दीनानाथ, आपने मेरी लाज ढकी इन खुले केशों के साथ। यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था। कृष्ण, तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाति का अपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी। उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा, होंगे केवल गिद्ध। कुमार बरबरेक के, 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 कुमार बरबरेक के। दादीश्री बरबरेक। दादीश्री, मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही हैं, सो मैं यहाँ चला आया। बैठ जा पुत्र। बरबरेक, विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतीक्षा ही लिख दी है। कभी अपनों की प्रतीक्षा उम्र भर, तेरे दादा की प्रतीक्षा, और अब तेरी प्रतीक्षा। दादीश्री, आपकी यही प्रतीक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है। आपने जिस कार्य के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था, उनके मार्गदर्शन में वो पूर्ण हुआ। आज आपके बरबरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी चुनौती नहीं दे सकती। पुत्र बरबरीक, प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र, क्या तुम्हें मेरी सुध कभी नहीं आई? मैं दिन रात तुम्हारी ही चिंता में थी। आप मेरी जननी हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाऊं? आप, दादी तथा पिताश्री सब मेरे हृदय में बसे हुए हैं। पुत्र, जिस कार्य हेतु वासुदेव ने तुम्हें गुप्त क्षेत्र भेजा था वो पूर्ण हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशीर्वाद से देवी ने प्रकट होकर मुझे सिद्धियां प्रदान की। धन्य है माता। दादी, वन में मेरी दादाश्री, दादी द्रौपदी तथा समस्त पांडव कुल से भेंट हुई। अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादीश्री, वो कह रहे थे कि उनका ज्ञातवास चल रहा है, यदि किसी ने उन्हें देख लिया तो उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। हाँ पुत्र, अज्ञातवास के पश्चात भी कौरवों ने पांडवों को नहीं स्वीकारा। मैं समझा नहीं दादीश्री। राजपाट की लड़ाई में पांडव कौरव में लड़ाई छिड़ गई है। छल बल कौरव का धर्म है, पांडव का सत्य अहिंसा कर्म है। कृष्ण शांति दूत बनकर मध्यता करने गए, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। ये तो अन्याय है। युद्ध की तैयारी हो चुकी है, इधर केवल 5 पांडव, तेरे पिता और श्री कृष्ण हैं। निश्चित रूप से विजय कौरवों की होगी, क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है। मेरे होते ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि कौरव सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इकट्ठी कर लें, उनके पास मेरे इन बाड़ों का सामना करने का साहस नहीं है। पुत्र, तू अभी एक बालक है, इतने बड़े योद्धाओं के समक्ष तू अकेला क्या कर सकेगा? माते, भगवान शिव से मुझे शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वरदान के स्वरूप मेरे पास 3 अमोघ बाण हैं, जो किसी भी शत्रु को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए माताश्री। किंतु पुत्र। माते, मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा। मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं केवल उसी की सहायता करूंगा। मेरे ये बाण केवल हारने वाले पक्ष के लिए चलेंगे। पुत्र, मौरवी, इसे मत रोको।
आज पांडव कुल को इसकी आवश्यकता है। जाओ पुत्र, युद्ध जीत कर आओ और इतिहास बनाओ। सदा हारे का सहारा बनो। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। जैसी हो जिसकी भावना। युवक, पता नहीं तुम मित्र हो या शत्रु, किंतु वीरता तुम्हारे अंग अंग से झलकती दिखाई पड़ती है। तुम यहाँ किस पक्ष को अपना समर्थन देने आए हो? मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की अनुमति लेने आया हूँ। वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्त हो जाएगी युवक। ये धर्म युद्ध है। कोई भी योद्धा बिना दबाव के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है। विचार करने की बात तो मात्र ये है कि कौन सा पक्ष धर्म कौन सा अधर्म की ओर है। सुना है इस युद्ध में इतने महारथी इकट्ठा हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। सत्य है युवक, केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे? मैं तो सदैव निर्बल के पक्ष में हूँ। मैं पराजित का मित्र हूँ। ये दैव्य गुण है, मानवीय नहीं। तुम्हारी सेना कहाँ है युवक? मैं स्वयं एक सेना हूँ। मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व विचित्र है युवक। सत्य तो प्रदर्शन के पश्चात ही सिद्ध होता है। मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, पांडव सेना का प्रधान सेनापति, तुम्हें अपने क्षेत्र से युद्ध देखने का निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद, मुझे पांडव पक्ष से यही अपेक्षा थी। दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्न किया है कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेत पांडवों का वध कर सकता है। पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने 1 मास, द्रोणाचार्य ने 15 दिन, अश्वत्थामा ने 10 दिन तथा कर्ण ने 6 दिनों में युद्ध की समाप्ति की घोषणा की है। केशव, आपका तात्पर्य क्या है? यही प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि आप में से कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नष्ट कर सकता है। वसुदेव, पितामह भीष्म और अन्य महारथियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोषणा करना निराधार है। और हमारे शिविर में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, और यदि चाहें तो अकेले ही सारे कुरु सेना का नाश कर सकते हैं। पर हे वसुदेव, जहां स्वयं आप हैं वहां पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर भी अगर चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं तो सुनिए वासुदेव, महादेव की सौगंध, जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। महाराज, एक विचित्र युवक आया है। उसकी बातों में बड़बोलापन है, किंतु उसके मुखमंडल पर छलकता आत्मविश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्य साबित करता है। वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्ध क्षेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ। ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है। नहीं पार्थ, युवक है, युद्ध की बात करता है, चलकर देख तो लो उसे।
युवक, गुरुदेव, आप सुहृदय, प्रणाम प्रभु, आयुष्मान भव। पुत्र, ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं। हाँ, गुप्त क्षेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे। प्रणाम दादाश्री। विजयी भव पौत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया। हाँ वत्स, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। गुरुदेव, अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूँ। गुरुदेव, ये है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्धम्बिका और भगवान शिव ने दिए हैं। इन बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। पौत्र, ये कुछ अतिशोक्ति नहीं लगती? नहीं दादाश्री, जब ये दूसरा बाण चलेगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है ये उनका वध कर देगा। तुमने इन बाणों की कभी परीक्षा की है? अब युद्ध होने ही वाला है, परीक्षा भी हो जाएगी। मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना, इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। जो आ गया गुरुदेव। वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पर हैं गुरुदेव। बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया। पुत्र, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं, वो भूमि पर गिर जाएंगे और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो? हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। चलो पौत्र, विश्राम कर लो। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा। चलो पार्थ।
हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है। निसंदेह, किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा, और पराजय का अर्थ है पांडवों में से दो तीन की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। पराजय? मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें, तो बर्बरीक अपने दो ही बाणों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा। तो आप क्या करें? तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो बाण महादेव ने स्वयं बर्बरीक को दिए हैं तो निश्चित ही वो चमत्कारी होंगे। बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा। ये धर्म युद्ध है, धर्म को बचाने हेतु अब यही एक विकल्प शेष है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र, पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय की सोर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र दो क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है, आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सुरुदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर तीन ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी, मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव, बस इतनी सी बात है केशव, क्या यही आपकी चिंता है? तो है जनार्दन, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने, एक सारथी तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु,
आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूँ। प्रभु, ये कार्य करने से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी, ये सौभाग्य मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। प्रभु, सोची मत प्रभु, उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी माँ को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यदि मैंने ऐसा किया तो ये बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। जब मैं स्वेच्छा से ये शीश आपको सौंप रहा हूं तो ये हत्या नहीं कहलाएगी। धर्म ये कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयं दान दे, यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी। घटोत्कच, अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। धर्मराज, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पे अपना शीश दान कर दिया। उन वाणों की सत्यता की परीक्षा तो स्वयं वासुदेव ने ली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे वाण क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ और हम बिना युद्ध किए ही हार जाएंगे। अरे भांजे, तुम सदैव विपरीत ही क्यों सोचते हो? क्यों मामा श्री, दुशासन सत्य ही तो कह रहा है। अरे भांजे, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया है। अर्थात? अर्थात भांजो, बर्बरीक की मृत्यु हो चुकी है, अब उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भीम और पांडव सारे शोकाकुल हैं। अवश्य इसमें भी कृष्ण का कोई उद्देश्य होगा। पुत्र बर्बरीक, पौत्र ये तूने क्या किया? वासुदेव, ये आपने उचित नहीं किया। अब मैं हिडिंबा और मौरवी को क्या उत्तर दूंगा? हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? कौन सा पाप किया था मैंने? इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे ही मृत्यु आ जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। ये आपने क्या किया वासुदेव, और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए ना केशव। भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक से ये शीश दान किस कारण मांगा मैं बताती हूं।
ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। आपको श्री कृष्ण पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। हे केशव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है, इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो। प्रभु कीर्तिमान भव। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीश दान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। नारायण नारायण। और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी दो इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा। Oh, my God.
कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। मैंने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध का संचालन किया और इसीलिए हमें विजयश्री का प्रसाद मिला। बड़े भैया, इस युद्ध के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन का वध यदि मैं न करता तो यह युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता था। बड़े भैया, यदि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर नहीं लेटे होते तो विजय हमसे कोसों दूर होती। किस बात पर इतना विवाद चल रहा है? कृष्ण, तुम ही बताओ कि इस युद्ध में विजयश्री का मुकुट किसके शीश पे रखना चाहिए? ये तो बड़ा बिकट प्रश्न है भीम भैया। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो केवल पार्थ का सारथी था। लेकिन एक महान योद्धा है जिसने ये सारा युद्ध देखा है। उस महादानी, उस शीशदानी से अवश्य पूछ सकते हैं। चले चलिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। हे शीशदानी, तुमने महाभारत युद्ध देखा? हाँ नारायण, संपूर्ण देखा। तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। सोच समझ कर उत्तर देना पौत्र। ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आप को इस युद्ध का नायक मान रहे हैं। आप बड़े दादा धर्मराज युधिष्ठिर, आपने असत्य भाषण करके अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। मेरे पितामह भीम, आपने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके दादा दुर्योधन का वध किया। गांडीवधारी आप, आपने तो युद्ध से पूर्व ही गांडी फेंक दिया था। पितामह भीष्म को आपने शिखंडी का आश्रय लेकर बाणों की शैया पर सुलाया। दादा कर्ण से आपके प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पिता घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति दी। नहीं, आप में से कोई भी नहीं है। इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। गुरुदेव श्री कृष्ण केवल दादा अर्जुन के सारथी नहीं, इस महायुद्ध के सारथी थे। कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे केशव, हमें क्षमा कीजिए। अहंकार विवेक का शत्रु होता है। हे केशव, युद्ध में यदि आप हमारे साथ ना होते तो कदापि हमें विजय प्राप्त ना होती। हे शीशदानी, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना।
वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।